अलाप निरंजन, तेरे द्वारे पे सन्यासी आए पुत्री, कुछ भिक्षाम दिए हो। अरे बाबा, काय को चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा पुत्री, तेरे द्वारे पे घोर तपस्वी आया है, कुछ भिक्षाम दे पुत्री। बाबा भिक्षा का, हम तो परेशान है, हम तो कोई बच्चा बच्चा ना है। पुत्री, अगर तुझ पे बच्चा नहीं है तो खैर, अब तो भगवान भी बच्चे नहीं दे सकता है तुझे, क्योंकि तेरी उम्र की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर तुझे बच्चा चाहिए तो मैं तुझे बच्चा ला के दे सकता हूँ। अच्छा, अगर कन्या चाहिए तो उसके रुपये लगेंगे तुझे 11,000, अगर पुत्र चाहिए तो उसके 21,000 रुपये लगेंगे। बाबा मैं तो लड़का चाहिए। चलो ठीक है पुत्री, मैं कहीं से व्यवस्था करके दोबारा तेरे द्वारे पे आता हूँ। तेरे घर में पुत्र आ जाएगा, लेकिन मुझे कुछ पैसे एडवांस के रूप में, जैसे कहते हैं, पहले मुझे कुछ पैसे दे जिससे कि मैं आगे की व्यवस्थाएं कर सकूं। अच्छा जा पुत्री, ज्यादा नहीं तो 5,001 रुपया ले आ। ठीक है, अभी लेकर। ठीक है पुत्री। अब फंसी मेरे जाल में एक और शिकार। अब इससे पैसे ले जाता हूँ और कहीं से एक बच्चे की व्यवस्था कर और इसे दे देता हूँ। आला निरंजन, लो बाबा लाइए पुत्री। ठीक है पुत्री, मैं तेरे द्वारे पर 2-4 दिन के अंदर आता हूँ, तेरे लिए एक बालक की व्यवस्था करके लाता हूँ। ठीक है, आयुष्मान भर। अलाप निरंजन। बाबा नमस्ते। नमस्ते पुत्र, नमस्ते। आयुष्मान भाव। बाबा कौन है आप, और इस गांव में तो मैंने पहली बार देखा तुम्हें। बेटा पहली बार तो देखोगे, क्योंकि सन्यासियों का कोई स्थान नहीं होता है। हाँ, सन्यासी कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये तो है बाबा जी। लेकिन बाबा एक बात बताओ जी, पूछिए। यहाँ पर आप यहाँ क्या लेने आए हो, इस गाँव में आपको क्या मिलेगा? पुत्र हम कुछ लेने कहीं नहीं जाते हैं। भिक्षा लेना है? बस बस पुत्र। अच्छा, भिक्षा चाहिए है? जी पुत्र जी। तो अच्छा ये बताइए बाबा, ये जो आपने सारा लिबास विवास सब आपका बाबा लग रहे हो, कुछ जादू वादू कर रहे हो या कुछ देते भी हो? या वैसे जादू कोई बाबा नहीं करते, जादू जो बाबा करते हैं वो ढोंगी होती हैं। अच्छा, तो ढोंगी बाबा नहीं हो आप? नहीं पुत्र, हम आपके बारे में बता सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है, क्या विपताएं हैं, कितना खुश रहेंगे आप भविष्य में, आपके चेहरे पर क्या उज्जवल भविष्य हमको नजर आ रहा है, हम ये सब बता सकते हैं आपका मस्तक देखकर। अच्छा, फिर अपना मस्तक हमारी ओर लेके आइए। बाबा एक बात बताओ। हाँ पुत्र। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो सारी चीजें बता रहे हो? चलो लो अपना मस्तक तुम्हारे सामने रख दिया, आप बताओ। पुत्र तुम बहुत जल्दी इस गांव के दोबारा प्रधान बनोगे, एक बार तुम प्रधान बन चुके हो और तुम्हारे मन में ये चिंताएं हैं कि मैं प्रधान बनूंगा या नहीं। बाबा एक बात बताऊं? हाँ। पिछली बार भी बनाऊं, इस बार भी बनूंगा। हाँ, इस बार भी बनोगे और पूर्ण बहुमत से बनोगे, और उसके बाद इस गांव के विकास करने के बाद तुम शहर की ओर चले जाओगे, जहां जाकर तुम MLA बनोगे, और उसके बाद और तुम्हारा और भी नाम होगा, भव्य नाम होगा, उसके बाद तुम चीफ मिनिस्टर भी बनोगे, जो कहते हैं ना CM, वो बनोगे। तुम्हारा मुझे सारी तरफ योग दिख रहा है कि तुम इस देश पर एक दिन पूरे पर राज करोगे। बाबा हाँ पुत्र, मैंने जिसको भी अपनी शक्ल दिखाई है ना, वो यही बोलता है। हाँ पुत्र, तुम्हारे ये सारे बाबाओं का एक ही डायलॉग रहता है, ये बनोगे वो बनोगे, कभी किसी को बनाया है? पुत्र तुम्हारे चेहरे पर जो तेज है, उसी को देखकर सब लोग यही बात कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर एक राजयोग का तेज है। बाबा ठाकुरों के खून में राजयोग्य हमेशा रहता है। हाँ तो पुत्र, तुम भविष्य में जरूर और जरूर, ये हमारा विश्वास है कि तुम इस देश पर राज करोगे। चलो बाबा, तुमने हमारी आने वाली तकदीर तो बता दी, अपना भी परिचय बता दिया, लेकिन आप हो कौन से गांव के, किस जगह के? हमारा कोई गांव नहीं है, हमने बचपन में ही 10 साल की अवस्था में अपने घर संसार को छोड़कर और सन्यास ले लिया, और हम सीधे उज्जैन नगरी बाबा महाकालेश्वर की नगरी चले गए। जय बोले। वहीं जाकर हमने उनकी सेवाएं की, और उसके बाद हमारे गुरुजी ने हमको इतना ज्ञान दे दिया कि आज हम सब लोगों का उद्धार करते हुए घूम रहे हैं। बाबा हमने इस गांव का बहुत उद्धार करा है, हम आपका भी उद्धार करेंगे। जी पुत्र। मांगो हमसे, क्या चाह रहे हो? पुत्र सन्यासी कभी किसी के द्वारे पर आके मांगता नहीं है, जो जिसकी इच्छा होती है दान पुण्य करने की, वो अपने मन से दान पुण्य करता है। अगर तुम दान ही करना चाहते हो तो हम तुमसे कुछ धन नहीं मांगेंगे, केवल अगर तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं तो उनको तुम जितना उजागर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम चाहते हो तो हमारे यहाँ लगभग 1101 ब्राह्मणों का तुम भोजन
व्यवस्था कर दो और तुम्हारा जीवन एकदम धन्य हो जाएगा। बाबा वैसे तो हम इलेक्शन में बहुत लोगों को खिलाते रहते हैं, लेकिन जब बात ब्राह्मणों की आ गई, देवी देवताओं की आ गई, तो फिर हम यहाँ कुछ नहीं बोल सकते। अभी आ रहे थे हम पिछले राशन वाले की तरफ से 11,000 रुपये लेकर आ रहे थे, लेकिन क्या बाबा आज मुझे पता चल गया कि तुम बाकी में ज्ञानी हो। ये 11,000 रुपये की धनराशि मेरी तरफ से। ओम तत्सत। हरी विष्णु हरी विष्णु हरी विष्णु। और हाँ बाबा एक बात और ध्यान रखना। हाँ पुत्र। हम ठाकुर हैं जी पुत्र, और ठाकुर जवान के बड़े पक्के होते हैं जी पुत्र। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो बाबा सोच लेना। पुत्र हम भी एक अघोर सन्यासी हैं, हम भी इस दान में से 1 रुपये पे हाथ नहीं लगाएंगे और सारा पैसा तुम्हारा दान का आया हुआ दान में ही लगाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है पुत्र। जय राम। आयुष्मान भव। जय राम जी की। अलोक निरंजन। अलोक निरंजन। बम बम भोले। पुत्री तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है, कुछ भिक्षाम दे पुत्री, भिक्षाम दे। राधे राधे बाबा। आयुष्मान भव पुत्री, आयुष्मान भव। अरे ये पुत्र तेरा है क्या? जी बाबा जी, हमारा है पुत्र। बड़ा सुंदर पुत्र है पुत्री। बाबा जी क्या लाए आपके लिए? जो पुत्री आपकी इच्छाएं हो, जो भी आप दान करना चाहें वो बाबा के लिए ला सकते। ठीक है बाबा जी। पैसे लाए या आटा? जैसी आपकी इच्छा हो, आप जैसे आप चाहती हो। जी बाबा जी। घोर अघोर अघोर अघोर, मिल गया शिकार। अब 21,000 तैयार, क्योंकि यही पुत्र है, इस कन्या का पुत्र मैं यहाँ से ले जाऊंगा और उस स्त्री को जाकर सौंप दूंगा जिससे मुझे 21,000 का फायदा होगा। अलाक निरंजन। बड़ा विलंब लगा लिया इस पुत्री ने। लो बाबा जी। पुत्री। हाँ बाबा जी, ये इस लो। कमंडल का मैं क्या करूँ? बाबा जी आप ले जाओ इसके सवीती। धन्यवाद, हमने आपको ये दान में दे दिया। पुत्री मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ, तुमने बाबा को एक कमंडल भी दिया, अब इसमें मैं दूध भर के पीऊंगा। हाँ, एक बात बताओ। हाँ पुत्री। हमारी बच्ची भी परेशान करता है। अच्छा। और हमारी सासू माँ भी बड़ा परेशान करती है, हमारे बच्चे को ना लेती है, खिलाती ना है। हमारे बेटे का थोड़ा सा भविष्य देख लो। बिल्कुल पुत्री बिल्कुल, अगर तुम इतना ही कहती हो। क्या करेगा ये आगे चल के, पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? देखो ऐसे रोता है बाबा ये। पुत्री ये तो चिड़चिड़ा है। समय में बहुत उज्जवल भविष्य है इसका, तो आने वाले समय में ये बहुत अच्छा एक डॉक्टर बनेगा। अच्छा? जो लोगों की मदद करेगा। ऐसे रो रो के? कोई बात नहीं पुत्री, अभी ये रो रहा है, फिर बाद में ये सबको प्रसन्न रखेगा। अच्छा। हाँ, और सास का अगर तुम्हें इतना ही परेशानी है। हाँ। तो सास को अच्छा अच्छा खिलाओ, अच्छा 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 सामान बना के दो, जिससे वो तुमसे भी प्यार करने लगे और इस पुत्र से भी प्यार करने लगे। अच्छा, तो खाने की चटोरी है? हाँ हाँ, आप कैसा भी समझो पुत्री, लेकिन अगर ईर्षा मन में हो तो आदमी को अपना बना के रखना चाहिए। अच्छा। उनके मन में ईर्षा है कि तुम उन्हें मानती नहीं हो, उनको अपना बना के रखो, वो तुमसे अवश्य प्यार करेंगे। ठीक है बाबा जी। ठीक है पुत्री। चलो तो कल ही आम खवाएंगे उन्हें। बिल्कुल पुत्री बिल्कुल। आयुष्मान भव। हवलदार जी। हाँ जी। तो ऐसा है, हमारी जो न्यू नियुक्ति हुई है इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के जो भी डाटा है वो तो आप हमें देंगे ही देंगे, ठीक है? पर हमें जो यहाँ के कोई ठाकुर हैं, जो ठाकुर साहब हैं, उनसे हम थोड़ा मिलना चाहेंगे। तो यहाँ के जो भी बड़े ठाकुर साहब हैं इस क्षेत्र के, वो हमें बताओ उनका नाम क्या है? वो हमारे गांव को तो एक ही प्रधान है। क्या? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। हाँ जी। तो वो इस समय गांव में हैं? हाँ है। है? तो चलो हमें मिलवा दो जरा फिर। हाँ हाँ। चलो चलो आइए बदला जी। हाँ यही घर है, यही कोठी है उनकी। हाँ यही। अच्छा अच्छा, जरा आवाज दी। अरे ठाकुर साहब है का? अरे ठाकुर साहब थोड़ा मिलने उनसे भी। हम आ गया, गया। राम राम राम। ठाकुर साहब राम राम। अरे राम राम। ठाकुर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपको तो कभी नहीं देखा। हाँ ठाकुर साहब जी, हमारे नए दरोगा जी आए। अच्छा अच्छा। अरे नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते। और जी ठाकुर साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपको तो पता ही है, जब कोई नया इंस्पेक्टर या कोई भी ऑफिसर आता है तो हम कानून की बड़ी सेवा करते हैं। आप हमारे द्वारे पर हैं, कुछ जलपान हो जाए? अरे नहीं होता, करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। पर ठाकुर साहब हम एक जानकारी लेने आए थे आपसे, क्योंकि आप तो इस गांव के प्रधान भी रह जी, चुके हैं है, और शायद है भी, शायद अभी भी प्रधान है। अभी भी प्रधान है। हाँ अभी भी प्रधान। बहुत बधाई हो आपके लिए। हम इस गांव के प्रधान भी हैं। हाँ। भानु प्रताप सिंह का, और पुरखों से रहे, लेकिन
अगर आपकी कोई सेवा करने का मौका मिला तो हम जरूर करेंगे। अरे ठाकुर साहब, ये तो आपकी बड़ी कृपा रहेगी हमारे ऊपर, पर हम भी एक बात आपको बोलने आए थे कि वैसे तो हम थोड़ा, हमारी न्यू नियुक्ति हुई है इस क्षेत्र में और अच्छा। हमें हर जगह एंट्री देनी होती है। जी जी जी। पर ठाकुर साहब, हमें लगा कि यहाँ पे कोई अच्छे इंसान है जैसे कि आप हैं ठाकुर साहब, तो सबसे पहली मुलाकात हमने आपसे ही की है। तो ठाकुर साहब, मैं एक बात बोलना चाह रहा था आपसे कि कोई भी केस हो, वैसे तो आप अपने हैंड ओवर करते हैं, आपसे बड़ा कोई है इंस्पेक्टर साहब, ये गांव बड़ा सुकून का है। हाँ। यहाँ बड़े सुखी लोग हैं। हाँ। और यहाँ बड़े भोले भाले लोग हैं। बिल्कुल। और हमारी बड़ी इज्जत करते हैं और हम भी सारे गाँव वालों की इज्जत करते हैं, सुख दुख में उनका साथ देते हैं। अगर ऐसा भी कोई आता है या कोई ऐसा केस होता है, हम आपको जरूर याद करेंगे, आपको बताएंगे। आप जरूर मुझे याद करना, कोई अगर बड़ा केस होता है तो आप मुझे जरूर याद करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है इंस्पेक्टर साहब। कुछ अरे रामो, अरे ठाकुर साहब जरा हम मुझे कुछ बहुत जल्द निकलना है। वैसे आप कभी हमारे थाने पर आइए जी, आइए और बैठ के बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा। ठीक है ठाकुर, बिल्कुल बिल्कुल, चलते फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्कार नमस्कार। ठीक, अब ऐसा करता हूं, कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे कि उस पुत्री का बच्चा और मेरे पास आ जाए और उस बच्चे को मैं उस स्त्री के पास पहुंचा दूं। पुलिस हालात निरंजन, बम बम बोले। एक मिनट। अरे बाबा जी नमस्ते। आयुष्मान पुत्र आयुष्मान। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी बाबा जी, तो ये बताइए आप यहाँ पे कैसे, आप जो बाबा लोग हैं उनका तो आश्रम होता है यहाँ। पुत्र हाँ, हम यहाँ भिक्षा लेने आए हैं। अच्छा, यहाँ का हम स्थान का हम भ्रमण करना चाहते हैं जिससे कि हम कुछ भिक्षा ले सकें। अच्छा। और सन्यासियों के लिए कुछ दान पुण्य ले सकें, क्योंकि हमारे नीचे 101 सन्यासी वास करते हैं जिनका पूरा खान पान से लेकर हर चीज की व्यवस्था हमारे ऊपर है। चलिए वो बात अच्छी है बाबा जी, पर मैं नया इंस्पेक्टर हूँ इस क्षेत्र का। बहुत अच्छी बात है। ठीक है बाबा, इसलिए मैंने आपको पहली बार देखा है, तो मैं जो है इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है, जो देखो आप ईश्वर का भजन करते हैं, आपके खाने का बंदोबस्त भी ईश्वर ही करते होंगे। बिल्कुल, देखो उनकी कृपा तो बड़ी निराली होती बस, है। तो इसलिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे कि देखो अभी थोड़ा मुजरिमों का जमाना चल रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी कहावत को। ठीक है, तो इसलिए बाबा मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि आप कोई अपना कोई स्थान चुने, वहां बैठे, वहीं पे खाना पानी जो भी वितरण हो सके वो अपना लें। ठीक है पुत्र जी, पुत्र ठीक है अवश्य पुत्र। हाँ बाबा, क्योंकि देखो ऐसा है, अगर यहाँ थोड़ा मतलब चेकिंग चल रही है, अगर कोई भी वारदात होती हुई कहीं, देखो खुदा ना खास्ता ऐसा ना करे ईश्वर के आपका नाम आ जाए, नहीं तो मैं नहीं समझता अच्छा, इसलिए आप अपना बिल्कुल जाइए और ज्यादा घूमा घूमी फ्री मत करिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए जाइए, आइए हवलदार। बड़ा चतुर पुलिस वाला लग रहा था ये मुझे, एक बार को तो मैं भी घबरा गया था कहीं ये पुलिस वाला मुझे समझ ना जाए कि ये बाबा दुष्ट है। अब ऐसा करता हूँ, यहाँ इस ओर कम आने की व्यवस्था रखता हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो मैं पकड़ा जाऊँ। अलाक निरंजन, बम बम बोले। पुत्री पुत्री, तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है पुत्री, कुछ भिक्षा दे। अरे बाबा, भिक्षा तो लेके आती। बालक इतना रो क्यों रहा है? अरे पता नहीं बाबा जी, इसे क्या हो गया, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पुत्री ला, मुझे इसे मेरे हाथ में दे। ऐसे रो रहा है बाबा जी? कोई बात नहीं पुत्री, कोई बात, सही से पकड़ो बाबा जी, त्रिशूल प्रसूल हटा के ला। मैं देखता हूँ, तू ऐसा कर, तब तक एक गिलास पानी लेके आ, लेके आती हूँ बाबा जी। ऐसे रो रहा है बाबा जी? नहीं बिल्कुल नहीं रोएगा, अभी ला रही हूँ। बाबा जी, बाबा कहाँ चले गए? ओ माय गॉड, मेरे बच्चे को भी ले गए। हे भगवान, मैं तो अपने बच्चे को देखूं पहले। हे भगवान, मेरे बच्चे को कहाँ ले गया होगा? अरे ठाकुर साहब, राम राम। ठाकुर साहब, मेरे बेटे को, मेरे छोटे से बेटे को लेके चला गया एक बाबा। कौन लेके चला गया? पता नहीं बाबा, मैं पानी लेने गई थी उसके लिए, पता नहीं कहाँ ले गया। मेरे बच्चे को ये कह रहा था तुम्हारा बच्चा रो रहा है, उसे ठीक कर दे, जल्दी चलो। किसी के हाथ नहीं आऊंगा, भाग जाऊंगा। मेरे बच्चे को इंस्पेक्टर साहब भागे जा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कोई ले गया। मेरे बेटे को एक बाबा ले गया। आपके बेटे को किधर गया हुआ है? इधर ही भाग के गया। इंस्पेक्टर साहब, चलो ठाकुर साहब, जल्दी चलो।
ठाकुर साहब ये गांव इतना बड़ा नहीं है, मेरी बात सुनो, ये गांव इतना बड़ा नहीं है, आप इधर से घूर रहे हो, हम इधर से घेरते हैं, वो जो बच के नहीं जाएगा, पहचान लोगे इसको? बिल्कुल पहचान लूंगा, चलो चलो, उसने काले कपड़े पहन रखे हैं, चलो चलो, उसने काले कपड़े पहन रखे हैं, चलो चलो, 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 चलो
इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब, हम तो चारों तरफ देखे हैं, पूरा जंगल छान मारा, मेरे को कहीं नहीं मेरे बच्चे को ढूंढ लो। इंस्पेक्टर साहब, इसका बच्चा जो है, एक मिनट, हाँ, ये बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है वो बाबा यहीं कहीं छुपा हुआ है, यहीं कहीं छुपा, इधर से आवाज आ रही है, ये रहा बाबा, ये मेरा बच्चा, यू आर अंडर अरेस्ट, ये बच्चा लो, बच्चा लो, अपना बच्चा लो, बच्चा लो, पहले संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के, ये ये हवलदार देख रहे हैं, वही बाबा है, क्यों बे, मेरा मुन्ना, मुझसे 11,000 रुपए लूट के गया था, आपसे भी, हाँ, मुझसे 11,000 रुपए लूट के गया था, कह रहा था ब्राह्मणों को खिलाना है, बेटा इंस्पेक्टर साहब, ऐसे ऐसे नौटंकी, ऐसे ढोंगी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना, जानते नहीं, मेरा नाम महाकालेश्वर है, तो जैसे ढोंगी मैंने बहुत देखे, एक गोली अंदर जाएगी ना तो सब तोते की तरह पढ़ने लगेगा, अरे जाओ उसको, और ऐसी सजा देना ताकि ऐसे ढोंगी बाबा दोबारा इसे गांव में ना दिखाई दे। बड़ी मीठी बोली बोल रहा था मुझसे ठाकुर साहब, बहुत मीठी बोली बोल रहा था, तेरा बुरा हो जाएगा, मुझे तेरा बुरा तो अंदर जाके करूंगा, जेल में। चलो बहन, तुम्हारा बच्चा, धन्यवाद, हमारे गांव के सरपंच जी बहुत अच्छे हैं, प्रधान जी, भगवान ऐसे प्रधान जी सब गांव में दे, बहुत बढ़िया है, बेफिक्र रहो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद भैया, ठीक है, ठीक है, चलो।